Hey, hi friends, welcome to PhD, that is Pratik Sir Tutorials. In this today's video, we are going to study about the third most important theorem from the chapter triangles, that is area of similar triangle. इसके पहले हमने दो important theorem पढ़ लिए of triangles, that is BPT, basic proportionality theorem, and second is CBPT, that is converse of BPT, that is converse of basic proportionality theorem. वो videos अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप I button में क्लिक करके उन videos को देख सकते हो और एक बार देख लो, please ये मेरा suggestion रहेगा. Now, let's move towards the area of similar triangle. अब area of similar triangle का proof करने से पहले मुझे कुछ और चीजें पता होनी चाहिए triangles के बारे में, जो कि previous पार्ट में दिया है ट्राइंगल्स के. वो कुछ ऐसे हैं कि किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है, या फिर क्राइटेरिया कह सकते हैं, या फिर थ्योरम भी कह सकते हैं. तो किसी भी दो ट्राइंगल को अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो मुझे थ्री क्राइटेरिया के हेल्प से, या फिर मैं थ्री क्राइटेरिया के हेल्प से उन्हें इक्वल सॉरी सिमिलर दिखा सकता हूं. कौन से क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया कुछ ये है. फर्स्ट इज एस एस S, second is S, A, S, and third is A, 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 or else A, A. ये तीनों का मैं एक बार आपको explanation बताता था short में. Okay, short में इसीलिए बता रहा हूँ because इनका बस use करना ये proof के लिए generally नहीं आते हैं. ठीक है, ये most important theorem. अब S, S, S का मतलब क्या है कि side, side, side. ठीक है, अगर किसी भी दो triangle के तीनों साइड का रेशियो इक्वल अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है. रेशियो अगर इक्वल है या फिर साइड्स अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे. आया समझ में? थर्ड इज एस ए एस, मतलब दो साइड्स और एक एंगल अगर किसी दो ट्राइंगल का इक्वल आ जाता है, या रेशियो इक्वल आ जाता है और एंगल इक्वल आ जाता है, तो भी हम कह सकते कि वो दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है बाय एस 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 ए एस क्राइटेरिया. एंड लास्ट इज ए ए ए और एल्स ए ए, मतलब किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीन एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हमारे वो दो ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे. ये ए ए का मतलब क्या है? तीन ट्राइंगल में से अगर दो इक्वल है तो ऑब्वियसली थर्ड होना ही होना है. मतलब अगर दो भी इक्वल हम बता देते तो ऑब्वियसली वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. आया समझ में? नाउ इन्हीं प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा हमें प्रॉपर्टी यूज कर ले सकते हैं फॉर दिस एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पार्ट. ओके, सो अब थ्योरम में क्या दिया हमें? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. दो ट्राइंगल जो कि सिमिलर है उनके एरियाज का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उनके वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा इस थ्योरम का कहना है. ओके, सो इज इक्वल टू के पहले का जो पार्ट है ये मेरा गिवन पार्ट हो जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद का जो पार्ट है ये मेरा टू प्रूव वाला पार्ट हो जाएगा. तो गिवन पार्ट के अकॉर्डिंगली दो ट्राइंगल निकाल लेते हैं. लेट्स ड्रॉ हियर. तो ये मेरा, लेट्स कंसिडर एज एन फर्स्ट ट्राइंगल, मार्क किंग इट एस और नेमिंग इट एस एन ए बी सी, और ये मेरा सेकेंड ट्राइंगल है जो कि है पी क्यू आर. ओके, अब देखो ये दो ट्राइंगल सिमिलर बिकॉज उन्होंने गिवन में कहा कि दो सिमिलर ट्राइंगल है. इसके अंदर मुझे हाइट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. क्यों हाइट कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? बिकॉज मुझे उनके एरियाज का रेशियो निकालना है, और एरियाज अगर किसी ट्राइंगल का निकालना है तो मुझे हाइट और बेस होना जरूरी है, बिकॉज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बीसी अगर मैं बेस कंसिडर कर ले तो मुझे हाइट पता होनी चाहिए, क्यूआर अगर बेस कंसिडर कर ले तो मुझे हाइट उस ट्राइंगल की पता होनी चाहिए. तो यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं? एक हाइट ड्रॉ कर रहा हूं इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स की. तो एबीसी के लिए मैं यहां से एक हाइट निकाल लेता हूं बीसी को एज एन बेस कंसिडर करते हुए, मार्किंग एस एन ए एम, और पी क्यू आर ट्राइंगल की यहां से एक हाइट निकाल लेता हूं क्यू आर पे, दैट इज पी एन. ओके, सो ए एम इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एन इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, चलो अभी गिवन टू प्रूव क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारे पार्ट हमें पता रहोगे. चलो उसे लिख लेते हैं, ये लिखना इंपॉर्टेंट है. अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना इसे इरेज कर देता बिकॉज थोड़ी सी स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे. थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में तो है, आप उसे भी देख सकते हो. ओके, नाउ सो दिस विल बी, सबसे पहले गिवन में क्या दिया हमें, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें दिया. ओके, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर,
इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर. करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, सो इनका रेशियो का स्क्वायर ये बराबर उनके अदर करस्पॉन्डिंग साइड दैट इज बी सी का है क्यू आर उसके रेशियो का स्क्वायर के बराबर. एंड लास्ट इज ए सी बाय पी आर इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर. तो ये सारा पार्ट मुझे क्या करना है, प्रूव करना है. दिस पार्ट आई नीड टू प्रूव फॉर दिस. एंड इस सारे पार्ट के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया अकॉर्डिंग टू दिस, माय कंस्ट्रक्शन इज दैट ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR. गॉट दिस पॉइंट, जो कंस्ट्रक्शन निकला. अब प्रूफ करना है मुझे. प्रूफ करने के लिए अब देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जैसे हमारे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऑब्वियसली वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होते हैं, स्क्वायर के नहीं रेशियो के बराबर होते ही होते हैं. तो मतलब आई कैन से दैट एरिया सॉरी ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू AB बाय PQ BC बाय QR एंड AC बाय PR. ठीक है, मैंने बस ट्रायंगल लिया, एरिया नहीं लिया, बिकॉज दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है. ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे लिख सकता हूं मैं. प्रूफ पार्ट स्टार्ट्स हियर. ओके, हमारे पास सिमिलर है, देखो वी हैव हमारे पास दिया है ना ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सो देयरफॉर आई कैन राइट दैट ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR will be equal to, in triangles का will be equal to AB by PQ equals to BC by QR is equals to AC by PR. दोनों triangle के similar sides मैंने corresponding side का ratio लिखा है. Why? Because we have area of triangle ABC similar to angle PQR. इसका भी reason लिख लेते हैं. इसका reasons क्या है हमारा? That is given. Okay? याद तक आया समझ में? ये सारा given पार्ट हो गया. Mark it as an equation one because आगे आपका इसका यूज रहेगा. आया समझ में? अब मैं क्या कर लेता हूं, मुझे इस दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ओके, अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेट्स अप्लाई किस दो ट्राइंगल का रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर. सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर. अब देखो मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सॉल्व करके बाद में फिर से रेशियो लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते, दोनों का एरिया हम एक साथ ही निकाल लेते हैं. ओके, रेशियो के फॉर्म में. सो दिस विल बी इक्वल टू फॉर्मूला पुट करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन सिमिलरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब एबीसी के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो उसका बेस क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज ये हाफ इंटू बीसी इंटू हाइट इज AM अपॉन सिमिलरली हाफ इंटू पी क्यू आर ट्रायंगल के बारे में बात करो तो बेस हो जाएगा क्यू आर इंटू हाइट हो जाएगा मेरा पी एन. ओके, दोनों में हाफ आर हाफ कॉमन है तो देयरफॉर मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या मिला है, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन. ओके, और अगर मुझे ये बी सी का स्क्वायर करना है, मतलब देखो यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर करना है तो मुझे ए एम और पी एन को भी इक्वल टू बी सी बाई पी आर बी सी बाई क्यू आर बताना पड़ेगा. ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये अगर मैं इक्वल दिखा देता हूँ तो ऑब्वियसली मैं बी सी इंटू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू क्यू आर कर सकता हूँ जो कि बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा. राइट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल विच ट्राइंगल आई एम सेइंग ए बी एन सॉरी ए बी एम एंड पी क्यू एन, इस ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर दिखा देता हूं तो मैं कहीं ना कहीं पे बी सी इक्वल टू ए एम बता सकता हूं. अब देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा इसे, जो मैंने कहा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए आप जो थर्ड प्रॉपर्टी ए ए यूज कर सकते उसका यूज हम यहां पे करेंगे. देखो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन. देखो दो ट्राइंगल सिमिलर मतलब ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर तभी हो सकते हैं, एक तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए कि जो कि मैंने लिखा ही है, और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. तो एंगल भी पी क्यू सॉरी ए बी एम और पी क्यू एन में ए बी और क्यू तो इक्वल हो ही सकते बिकॉज वो एक कंप्लीट एंगल है.
सो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. रीजन क्या है इसका? गिवन. सेकेंड रीजन क्या सकता है? एंगल ए तो मैं नहीं लिख सकता बिकॉज वो कंप्लीट एंगल नहीं. मैं पी क्यू एन मतलब यही एंगल के बारे में आधे एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये तो मैं नहीं ले सकता हूँ राइट. तो कौन सा एंगल आ जाएगा? मैं एम और एन लिख सकता हूँ. एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन. वाई? बिकॉज दोनों के दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर ये सेकेंड राइट. सो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन दैट इज ईच 90 डिग्री. सो दो रीजन मिल गए. मैंने क्या कहा था कि अगर एंगल्स के बारे में बात करें तो दो भी मामले रीजन सफिशियंट है किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए. तो देयरफॉर यहां पे सिंपली लिख सकता हूं मैं ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन. रीजन है बाय ए ए क्राइटेरिया. ओके गॉट दिस. अब अगर ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन सिमिलर है तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा. जैसे यहां पे ये दो ट्रायंगल सिमिलर थे उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी पी बाय क्यू एन इक्वल्स टू ए एम बाय पी एन. आया समझ में? अब देखो ये बी पी बाय क्यू एन छोड़ दो फिलहाल बिकॉज वो कंप्लीट साइड नहीं है कोई. तो अगर मैं AB by PQ को AM by PN यूज कर सकता हूं सो therefore आई कैन also say that therefore नहीं यहां पे इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में ऐसे देख सकता हूं AB by PQ is equals to AM by PN. ठीक मतलब अगर AM by PN AB by PQ के इक्वल है और AB by PQ मेरा BC by QR को इक्वल है मतलब obviously AM by PN ये BC by QR को इक्वल हो गया. यस सो therefore I can say AM by PN is equals to BC by QR. इसका रीजन क्या है? From one. आया समझ में? AB by PQ मेरा BC by QR को इक्वल है. AB by PQ मेरा AM by PN को इक्वल है. तो obviously AM by PN मेरा BC by QR को इक्वल हो गया. अगर AM by PN BC by QR को इक्वल है मतलब यहां पे मैं AM और PN के जगह पे इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं. यहां पे मैं AM by PN के जगह पे पुट कर सकता हूं BC and QR. ओके सो यहां पे इसे इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं और लिख लेता हूं फ्रॉम 2 एंड 3 ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर एज इट इज इंटू ये AM by PN के जगह पे मैंने लिख दिया फिर से BC by QR. आया समझ में? बिकॉज AM by PN BC by QR को इक्वल है. अब BC into BC हो जाएगा BC square, QR into QR हो जाएगा QR square, which comes to be BC square by QR square. अगर ये दोनों में square है तो मैं कॉमन ले सकता हूं. मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं therefore BC by QR whole square. ओके दैट मींस मैंने क्या बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बीसी बाय क्यूआर होल स्क्वायर. अगर ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बीसी बाय क्यूआर के होल स्क्वायर के बराबर है और यही दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे से इक्वल है तो ऑब्वियसली इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो इसे मैं इक्वेशन अगर 4 मार्क कर लेता हूं तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 4 okay area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to AB by PQ whole square is equals to BC by QR whole square equals to AC by PR whole square. ये तीनों एक ही लाइन में okay and which is my proved. Hence proved. आई होप ये आपको थ्योरम कंप्लीट समझ में आ गया है किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से ये जो क्राइटेरिया वाला पार्ट है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए उसका यूज हमने किया है यहाँ पे. ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे प्रैक्टिस करो एक दो बार, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी परफेक्ट. आई होप आपको समझ में आ रहा है. प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई लाइक. सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेंगे सारे थ्योरम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फ्रॉम ऑल ईयर 10 मैथ्स क्लास. इवन फिजिक्स भी आने वाला है जल्दी, उसके लिए मेरे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू विल बी कनेक्टेड. #stayconnected स्टे अपडेटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो.